तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सअप पे एक नया फीचर ऐड ऑन किया गया है, या फिर बोल सकते हैं व्हाट्सअप के एक नए अपडेट के बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं बताने वाला हूँ व्हाट्सअप के नए अपडेट और नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में जाके आपको पहले अपने प्ले स्टोर में जाके अपने व्हाट्सअप को अपडेट कर लेना है। बहुत दिनों बाद व्हाट्सअप का एक नया अपडेट आया है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सअप को अपडेट कर लेना है। दोस्तों इस फीचर का नाम, इस अपडेट में एक नए फीचर को एड ऑन किया गया है, जिसका नाम है फॉरवर्ड मीडिया विद अ कैप्शन अलर्ट। तो ये नया फीचर एड ऑन किया गया है। अब कैसे ये वर्क करता है वो मैं एक्चुअल में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप पे आने के बाद लाइक आप देखेंगे, अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट्स भेजता है, वीडियो भेजता है, इमेज भेजता है, उसमें अगर उसने कोई नीचे आप देखेंगे, अगर उसने कोई नीचे कैप्शन को एड ऑन किया हुआ है, आप देख रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हाय सनी, अगर ये कैप्शन एड ऑन किया हुआ है, और अगर आप किसी को ये फॉरवर्ड करते हैं ये फोटो या वीडियो या डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकता है, तो होता क्या है, साथ में नीचे ये कैप्शन भी जाता है नए अपडेट्स के बाद। ये भी मैंने बताया था, नए अपडेट्स के बाद ये कैप्शन भी जाता है। बट इसमें होता क्या है, कुछ कैप्शन ऐसे लिखे होते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं फोटो के नीचे या इमेज के नीचे, हम किसी को फॉरवर्ड करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमने ये फॉरवर्ड किया है। तो अब क्या किया है व्हाट्सअप ने, एक अलर्ट जारी किया है, जब भी आप ऐसी कोई फोटो या वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे जिसमें कैप्शन अवेलेबल होगा, तो वो आपको पहले अलर्ट करेगा कि भाई इसमें जो भी फोटो या वीडियो में जो कैप्शन लिखा है ये आपको रिमूव करना हो, भेजने से पहले आप इसको रिमूव कर लो, नहीं तो ये कैप्शन भी वहां पर आपका फॉरवर्ड होगा। ये कैसे दिखेगा, लाइक मैं यहां पर आया, मैंने इसको फॉरवर्ड पे क्लिक करा, जैसे ही मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा वो पॉपअप आ जाएगा, बट मैं दो तीन बार देख चुका हूं अभी तो इसलिए दिखा नहीं रहा। जब आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो ये आपको दिखा देगा, इस तरफ से आपको एक कैप्शन दिखाने वाला है, मीडिया एंड कैप्शन आर फॉरवर्डेड टूगेदर। तो मीडिया का कैप्शन और मीडिया दोनों साथ में ही फॉरवर्ड किए जाते हैं, तो यू कैन ऑलवेज रिमूव द कैप्शन बिफोर यू फॉरवर्ड। तो जब भी आप अपने फॉरवर्ड करते हैं किसी चीज़ को, तो उसका कैप्शन पहले रिमूव करें तो ही फॉरवर्ड करें, नहीं तो आपका कैप्शन और जो भी मीडिया जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं वो भी फॉरवर्ड होगा। तो ये वाला नया फीचर एड ऑन किया गया, इस फीचर का नाम है फॉरवर्ड मीडिया विद कैप्शन अलर्ट। तो अलर्ट के नाम से जारी किया है। तो एक्चुअल में देखो, जैसे मैं बताऊँ मैं आपको, तो आप देखेंगे ये बीटा वर्जन की लॉन्च किया गया है, जिस फीचर का नाम मैंने आपको बता ही दिया, वो मीडिया फॉरवर्ड मीडिया विद अ कैप्शन अलर्ट। तो आप देखेंगे आपको ऐसा यहाँ पर दिखने वाला है, कोई खास फीचर नहीं है बट एक तरीके से टिप के तौर पे, तो इसलिए मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है तो मेरी कुछ कमी होता है डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना भूलें।